हेलो एवरीवन अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन ऑफ एक्सरसाइज नाइन पॉइंट फाइव ठीक है इंट्रोडक्शन चल रही है और क्लास ट्वेल्थ डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर चल रहा है अभी तक हमने समझा कि होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं होमोजेनियस इक्वेशंस ठीक है डिग्री वाली जो सेम डिग्री होती है उसे होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं सो so, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं एक्स कॉज वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू वाई कॉज वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स ठीक है हम इनको पहले एक फंक्शन फॉर्म में लेके आते हैं या डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लेके आते हैं ठीक है मैंने दो चीज़ें यूज़ की हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल फंक्शन देखते हैं y cos वाई बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉज वाई बाई एक्स तो ये जो चीज़ है ये ये पूरा ये हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशियल फंक्शन और अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर दूं तो ये जो चीज़ है ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी ऑलराइट right, चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या ये डिफरेंशियल जो इक्वेशन है होमोजीनियस है भी है कि नहीं है तो यहाँ हम जो अपना पुराना स्टेप करते थे लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉज वाई बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉज वाई बाई एक्स रिप्लेसिंग यहाँ लिखते हैं हम रिप्लेसिंग x एंड y बाय लेमडा x एंड लेमडा y अगर लेमडा एक्स और लैमडा वाई से रिप्लेस कर लिया है तो हमें अब ये देखना है कि क्या लेमडा की डिग्री है और जो भी डिग्री आएगी उसी डिग्री की ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो लेमडा वाई कॉज लेमडा वाई अपॉन लैमडा एक्स प्लस लैमडा एक्स डिवाइडेड बाय लेमा एक्स कॉस लेमडा वाई अपॉन लैमडा एक्स ये लेमडा इधर से गया ये लेमडा इधर से गया ठीक है तो ये हमारे कट हो गए लेमडा अब हम बात करते हैं ये वाला लेमडा कॉमन आ जाएगा तो वाई कॉज वाई बाय एक्स प्लस एक्स इसको अब रख लेते हैं पूरी ब्रैकेट में यहाँ लैमडा एक्स कॉज वाई बाय एक्स आ जाएगा तो लैमडा और लैमडा यहाँ से भी कट गए तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ लैमडा पावर ज़ीरो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ठीक है तो इसका मतलब क्या है द गिवन इक्वेशन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो ठीक है सो देयर फोर द गिवन इक्वेशन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो चीज है जी अगर आप इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई लिख करके लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो अब इसे सॉल्व करना है टू सॉल्व ठीक है द गिवन डिफ्रेंशियल इक्वेशन लेट वी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स और हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू वी एक्स दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं देखिए अगर आपको याद हो तो हम पहले वाई बाई एक्स लास्ट एग्जाम्पल में किया था यहाँ पे उसने ऑलरेडी हमें बना के दिया है इन चीज़ों को तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें और काम करने की ठीक है तो जी चलिए अब चलते हैं आगे सो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू वी एक्स आ जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम आगे चलते हैं ये देखते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो ये आ जाएगी एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास ठीक है अच्छा और हमारे पास और कौन सी इक्वेशन है ये एक जो ओरिजिनल इक्वेशन है तो जैसा हम नॉर्मली करते हैं ये इक्वेशन वन है इसको हम इक्वेशन टू दे लेते हैं नाम और इसको इक्वेशन थ्री दे लेते हैं नाम ठीक है फ्रॉम वन टू एंड थ्री तो अब हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी शुरू करेंगे फ्रॉम वन टू एंड थ्री अगर वन टू एंड थ्री से हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास हमारे पास आएगा वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स कॉज वी प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉज वी ठीक है जी अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखें ना वाई वाई बाई वाई कॉज वाई बाई एक्स एक्स कॉज तो जहाँ पे हमारे पास y है वहाँ पे वी एक्स आ गया y बाई एक्स है वहाँ पे v आ गया x है कॉज वी आ गया ठीक है नाउ थिंग्स आर बेटर एंड सिंपल तो अब देखिए कि v वाली जो हम नॉर्मली करते हैं कि सबसे पहले वैसे तो वेरिएबल सेपरेबल लगेगा अभी लेकिन अभी मुझे दिख रहा है यहाँ पे x और x कॉमन आ जाएगा और x कट भी जाएगा सो so, x v cos v प्लस वन अपॉन एक्स कॉज वी ये और ये गया ठीक है अब v इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड पे x डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉज वी प्लस वन अपॉन कॉज वी ठीक है जी Uh, मेरे ख़्याल में यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो मुझे चेक कर लेना चाहिए तो चेक कर लेते हैं uh, नहीं आई थिंक वी आर गुड ओके तो ठीक है जी माइनस वी आ जाएगा यहाँ पे अगर माइनस वी आ गया है अब लेंगे हम अपना सिंपल एल तो एल देखते हैं कि क्या आएगा एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉज वी प्लस वन माइनस वी कॉज वी अपॉन कॉज वी तो ये और ये भी गया एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन कॉज वी आ जाएगा अब वेरिएबल सेपरेबल लगा लेते हैं यहाँ पे आएगा हमारे पास वन अपॉन एक्स डी एक्स आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा कॉज वी डी वी रहेगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू यहाँ इस साइड पे आएगा विद रिस्पेक्ट टू वी और इस साइड पे आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है तो चलिए अब चलते हैं आ, देखते हैं कि कॉज वी आ, अपना पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं मैंने डिफ्रेंशियेशन बोल दी थी गलती से तो ये आ जाएगा साइन वी प्लस सी वन इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी टू तो सी वन और सी टू तो मिलकर सी ओ ही बन जाएंगे साइन वी इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी देखिए अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में उन्होंने इसको भी लॉग सी लिया है तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सी को मैं लॉग सी ले लूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं है आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए तब भी कोई फ़र्क नहीं है ठीक है अगर यहाँ पे साइन uh, के साथ भी लॉग होता फिर तो लेना ही था ठीक है uh, पर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है तो चलिए मैं आपको दो तरीके से करके बताता हूँ सबसे पहले तो मैं uh, बताता हूँ कि जो वी की वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स तो साइन y अपॉन एक्स प्लस इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग uh, c. ऐसे कर सकते हैं आप और ऐसे भी कर सकते हैं साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी कैपिटल तो यहाँ भी मॉड लगा देते हैं ठीक है ये दोनों ही ठीक हैं अगर ये आपने लिखा है तो इसको एक स्टेप फर्दर आप लेके जा सकते हैं y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स सी मॉड में एंड दैट शुड बी दी आंसर इट वॉज एन ईजी वन आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट थैंक यू सो मच